चित्रा, जो सत्यजीत भी वही बता रहे हैं कि अब शायद जरूरत नहीं है कि वो हैदराबाद जाएं, और हालांकि बहुत साफ तो कुछ नहीं कहा आलमगीर ने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कल शपथ लेंगे और बहुमत साबित करने में मुश्किल नहीं होगी, हम सब एकजुट हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात थी। देखिए, राहत की बात है ये इन लोगों के लिए, बिल्कुल इन लोगों के लिए राहत की बात है कि राजभवन की ओर से हरी झंडी मिल गई है और अब कम से कम नहीं लगता है कि हैदराबाद जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर विमान लगातार रखे गए हैं और मौसम खराब होने की वजह से अब ऐसा लग रहा है कि वो विमान यहां से खाली ही उड़ान भरने वाले हैं, क्योंकि स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट भेजा गया था इन लोगों के लिए ताकि ये सभी भर भर कर उसमें जाएं। लेकिन कुल मिलाकर ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि जब नीतीश कुमार बिहार में इस्तीफा देते हैं उसके तुरंत बाद जाकर वो सौंप देते हैं चिट्ठी बीजेपी के विधायकों के साथ मिलकर, शाम होते होते उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, शपथ फिर से वो ले लेते हैं, तो वैसी स्थिति झारखंड में आखिर क्यों नहीं हो रही है? बार बार इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, तो जिस पर से अब पर्दा यहां पर कम से कम उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये स्थिति साफ हो गई है कि कल वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन, और कल ही शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन का क्या होगा पूर्व मुख्यमंत्री का, चूंकि 10 दिनों की रिमांड ईडी की ओर से मांगी गई है, तो कल इस पर से भी पर्दा बाहर जाएगा कि ईडी को 10 दिनों की रिमांड मिलती है हेमंत सोरेन की या फिर नहीं मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या जो भी, इस राज्य का इतिहास पिछले 23 सालों में 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब जाकर शपथ लेने चंपई सोरेन राजभवन पहुंचेंगे, ये समय क्या होगा, क्योंकि न्याय यात्रा भी राहुल गांधी के झारखंड में प्रवेश करने जा रही है, उसके पहले यकीनन उनकी पार्टी के लिए ये खुशखबरी है। ऐसे में बहुत सारे विधायक उधर भी मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कम से कम बड़ी राहत मिल गई है और अब अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन शपथ ग्रहण करते हुए कल दिखाई देंगे। टाइम का हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, सुबह 10 बजे भी हो सकता है, 12 बजे के आसपास भी ये टाइमिंग हो सकती है। बिल्कुल, चित्रा बनी ने हमारे साथ अनुपम है। अनुपम, क्या समय के बारे में कुछ कंफर्मेशन हुई है? ये तो साफ हो गया है कि सस्पेंस के बादल छट गए हैं, कल शपथ लेने जा रहे हैं चंपई सोरेन। बिल्कुल शशि, जो धुंध छाई हुई थी राजनीतिक परिदृश्य पर वो छट चुकी है, लेकिन समय अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत की बात है जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके लिए, क्योंकि 2 दिनों से ये संशय बना हुआ था कि क्या होगा, और कल रात के बाद से आज 24 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका था। ऐसे में ये सवाल बार बार उठाए जा रहे थे कि, और बिहार का उदाहरण दिया जा रहा था कि बिहार में तुरंत होता है काम, लेकिन यहां पर जबकि पत्र सौंपा गया है उसके बावजूद उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया जा रहा है, तो बड़ी तैयारी भी हो चुकी थी, फ्लाइट उड़ने वाली थी, धुंध की वजह से नहीं उड़ पाई, कल भी जाने की तैयारी थी, लेकिन इस बीच बड़ी राहत की खबर आ गई है कि कल उन्हें शपथ ग्रहण लेना है और शपथ ग्रहण करना है, लेकिन टाइमिंग अभी तक हमें नहीं मालूम चल रहा है, हो सकता है थोड़ी देर में टाइम का भी पता चल जाएगा, तो क्योंकि ये बहुत देर रात में ये सब सारी घटनाएं हुई हैं, तो हो सकता है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग ये ना हो, थोड़ा समय लगेगा इसमें। बिल्कुल, और अभी मैंने जब चंपई सोरेन से भी बात की तो अभी भी वो लोगों से घिरे हुए थे, मतलब तमाम लोगों के साथ हैं वो, ये तय करने में शायद समय लगे। सत्यजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सत्यजीत, 10 दिन का क्योंकि समय मिल गया है और वैसे भी जिस तरीके से चंपई सोरेन या बाकी के जो तमाम नेता हैं, आलमगीर से भी हमने बात की जो राज्यपाल से मिलने के लिए गए थे चंपई सोरेन के साथ, उन सबसे बात करने के बाद लग रहा है कि बहुमत साबित करने में मुश्किलें नहीं होंगी, उन्हें कोई मुश्किल नहीं आने वाली पेश, सब एकजुट है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दें, अब जैसे पहले भी जिस दिन हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था तो उसी दिन इन लोगों ने जब स्वेयरिंग क्लेम किया था तो कहा था कि अगर आज रात को कह लिए तो आज भी हम स्वेयरिंग इन के लिए तैयार है, हमने समाधान पत्र सौंपा है, साथ ही साथ 45 को परेड करने के लिए भी तैयार है, हमको इन्वाइट करें, हमको न्योता दें, उसके बाद 24 घंटा का वक्त कट जाता है ये न्योता मिलने में, अब देर रात को जब लगातार 2 बार आज जो है शाम में भी 5:30 बजे अपॉइंटमेंट था तो 5 लोगों को ही बुलाया गया था, उसके बाद जो है विधायकों को शिफ्ट करने की बात होती है हैदराबाद जाने की, तो अचानक से आलमगीर आलम को बुलाया जाता है और चंपई सोरेन को, वहाँ आप देखेंगे हम लोग जो अपने चैनल में तस्वीर चला रहे हैं जो एक्सक्लूसिव हमारे पास थी सबसे पहले हम लोगों ने दिखाई, उसमें आप मुस्कुराहट देख सकते हैं दोनों के चेहरे पे, गवर्नर भी मुस्कुरा रहे हैं और इसको वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट कहा जाता है, तो अपॉइंटमेंट दे दिए जो उनके हाथ में आपको दिख रहा होगा एक कागज जिसमें जो है वो सब ऊपर बना हुआ है, तो वो जो पत्र है वो उनको मिल गया वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट। अब आपको बताएं कि हम एक आपको जो महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, जल्दी से शपथ लेंगे और 10 दिन का वक्त नहीं लगाएंगे मेजोरिटी प्रूफ करने में, क्योंकि
एक बार जैसे आप फ्लोर टेस्ट करवा लेते हैं जी, तो 6 महीने तक फिर आपके सरकार के कोई आंच नहीं आती है, सरकार आपका ठीक हो गया और 6 महीने में तो लोकसभा चुनाव आ जाएगा, आपका विधानसभा चुनाव नजदीक पहुंच जाएगा। यहाँ विधानसभा चुनाव जो है 2024 के आखिर में शेड्यूल है, तो ये तमाम चीजें हो जाएंगी। एक बार जब आपके पास जीरो कॉन्फिडेंस वोट फिर कोई नहीं ला सकता 6 महीना, और बीच में आचार संहिता लगता है लोकसभा चुनाव का, उसके बाद फिर आपका अगर उस वक्त में फिर काउंट होगा तो 3-4 महीने वैसे अगर निकल जाते तो बिल्कुल विधानसभा चुनाव के आसपास पहुंच जाता है। तो जेएमएम नेतृत्व वाली जो सरकार है वो अपना कार्यकाल 5 साल पूरा कर लेगी। और ये जो सबसे बड़ी अहम खबर आई है कि अचानक से गवर्नर उनको बुलाते हैं, और आज तक तो कंफर्म किया गया है वहां के सोर्सेस के द्वारा, बाद में जो है ऑफिशियली भी उसको जो है कंफर्म कर दिया गया और ऑफिशियली जो है रिलीज भी कर दिया गया, लेकिन पहले हम लोगों ने 2 तस्वीरें जो है वो साझा की जो अंदर इनको मिलने के लिए बुलाया गया था, और इनको कहा गया कि आप आइए शपथ लीजिए और 10 दिनों के अंदर फ्लोर टेस्ट कीजिए, लेकिन ये जल्दीबाजी में की जाएगी ताकि सुबह को जिस तरह से कमिट कर रखा गया है और सबको बैग बैगेज लेकर आने के लिए कहा गया था और यही कैंप करने के लिए कहा गया था, सारे लोग एक साथ जो है उनको लॉन्च किया गया है संसद हाउस में, तो जैसे ही एक बार मेजोरिटी प्रूव हो जाएगा तो उसमें सबको अपने अपने क्षेत्र में जा पाएंगे। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव भी आ रहा है तो अगर यहाँ पे गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ेगी एक साथ, तो उसके लिए भी उनको कैंपेनिंग करना सब करना है, तो वक्त नहीं लगाया जाएगा और जल्द से जल्द इसको कर लिया जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ बजट सत्र भी शुरू होना है 9 फरवरी से, हालांकि उसके लिए अलग से तारीख चुके थे, वो जिस वक्त हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे उस वक्त अनाउंस किया गया था 9 तारीख से, लेकिन अब जो है अलग से प्रेस डेट अनाउंस किया जाएगा ताकि जो है लोकसभा चुनाव से पहले बजट नई सरकार जो है वो पारित करवा दे, एनुअल बजट जो होता है, ताकि इसको वो फंड रेज करने के और फिर विकास का काम हो सके। मतलब उसमें 10 दिन का समय नहीं लिया जाएगा, जल्द से जल्द इस काम को कर लिया जाएगा। चित्रा, जो सियासी ड्रामा, क्योंकि आप वहां लगातार तमाम रिपोर्ट्स दिखाती रही हैं, जो देखा है जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नजर बनी रही है, बीजेपी के प्रभारी का रांची पहुंच जाना उसी दिन, और जिस तरीके से हैदराबाद ले जाने की कोशिश करना, फिर चार्टर्ड प्लेन का वहां से उड़ान न भर पाना, हर चीज के पीछे लग रहा था कि बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से हाथ से चीजें फिसले ना, और कम से कम अब वो हो गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, जो हम बात कर रहे थे चंपई सोरेन से, तो उनसे भी और फिर आलमगीर भी थोड़ा खुश नजर आए, और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उन्हें लगा कि जितनी लगातार मेहनत चल रही थी, रस्साकशी और कोशिशें चल रही थी, वो सफल होती हुई नजर आई। शशि, इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, देखिए बार बार चर्चा इस बात की भी चल रही थी कि क्या प्रदेश को राष्ट्रपति शासन की ओर तो नहीं आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि राजभवन में जाकर 2-3 बार मुलाकात करने के लिए समय मांगना, वहां पर विधायकों की परेड कराने के लिए बसों में भर भर कर विधायकों को लेकर जाना, उसके बावजूद राजभवन से इस बारे में कन्फर्मेशन नहीं देना, इसी वजह से रह रहकर तरह तरह के कयास लग रहे थे कि अगले पल क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। राज्यपाल की अपनी कुछ शक्तियां होती हैं जो संविधान ने दी है, इसी वजह से इस बात को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आप सोचिए, बड़ा दिलचस्प है, आज पूरे दिन राजभवन की ओर से नहीं जानकारी दी गई, शाम के 5:30 बजे बुलाया गया, ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं कि भैया ये 43 विधायकों का वीडियो आप देख लीजिए, सबका समर्थन हमको मिला हुआ है, हमारे पास संपूर्ण बहुमत है। उस समय जो राज्यपाल महोदय है उनकी ओर से कहा जाता है, अच्छा ठीक है आप जाइए, मैं आपको बताता हूं। शाम को 5:30 बजे की जो 10 मिनट की मुलाकात होती है उसमें भी राजभवन की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता। अचानक से थोड़ी देर पहले राजभवन से न्योता जाता है, फोन जाता है, दो लोग वहां पर जाते हैं, चंपई सोरेन और आलमगीर, और उसके बाद वहां पर जाकर निमंत्रण पत्र उनको दिया जाता है कि कल आप आइए और शपथ ग्रहण कीजिए। तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प, ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट कुछ लिखी हुई है और उसी के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन शशि, यहां से अभी चुनौती कम नहीं हो रही है चंपई सोरेन की, चुनौती और ज्यादा इसके बढ़ेगी, क्योंकि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक उनके लिए मुश्किलें बढ़ी रहेंगी, और फ्लोर टेस्ट के लिए अपने सारे के सारे विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए इसी तरह से सर्किट हाउस में या जहां भी उनको वो बचा के सेव करके रख सकते हैं ताकि दूसरी पार्टी की नजर नहीं पड़े, वो काम अभी भी चंपई सोरेन और पार्टी को करना पड़ेगा। आलमगीर कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और पूरी तरह से एकजुट हैं।